राजधानी रांची में छात्र राजद के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी सोलंकी ने हीनू के कई छात्रावास में जाकर वहां के छात्रों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि छात्र राजद हर वक्त उनके साथ खड़ा है, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। वहीं छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर संतोष कुमार यादव ने भी छात्र राजद के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसी शिक्षा नीति बने ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान को भरा जा सके। सीपी सोलंकी जी का काम काफी सराहनीय रहा है हमेशा से, और ये टाइम टू टाइम जो है सो अपना जो है मुद्दा को हमेशा उठाते रहे हैं छात्र हित से रिलेटेड। आज इन्होंने बहुत अच्छा बात रखा कि मैं सरकार के सामने ये बात रखूंगा कि एक नई शिक्षा नीति को लाया जाए जिसमें जो है कोरोना काल में हुए जो भी डिस्टर्बेंस हुए हैं स्टूडेंट्स को वो दोबारा ना हो सके, तो इसको लेकर इन्होंने एक अच्छा पहल किया है और कदम उठाए।